बिसमीम्स माई व्यूवर्स माई यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब लोग आज माशा से फ़र्स्ट सैरी है जो मैं आपसे अपनी सैरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी सैरी में साढ़े तीन बजे मैं सोकर उठी थी तो उसके बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि रात को मैंने हाफ टी स्पून टकमलंगा भिगो कर रख दिया था कि मैं शेरी में निहार मूँ पहले सबसे पहले यह पीऊँगी उसके बाद शेरी करूँगी या मैं नॉर्मल पानी था टैप वाटर टैप वाटर तो उसके उसमें मैंने ये पानी लंगा डाल के तो इसमें थोड़ा सा हनी डाल के मैं सबसे पहले इसको पी लूंगी और ये इसलिए ये इसकी पीने की वजह यह है कि इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है जो आपको दिल की बीमारियों से दूर रखता है और ये मेटाबॉलिज्म मेटा को फास्ट कर देता है जो चर्बी गल, गल, को चर्बी को ऐसे बॉडी से कम करता है कि आपको पता भी नहीं चलता और इसमें कैल्शियम की भरपूर मकदार होती है जो दांतों के लिए सबसे बेस्ट होती है और जिनको ए, ये टिप दूंगी जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो डेली एक चम्मच इसको पानी में भिगो ज़रूर पिया करें उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह तो तो या मैं अल्शा वालों का हनी यूज़ करती हूँ या मैं थोड़ा सा हनी डालूँगी बेस्ट हनी होता है ये 800 की बोतल आ, बोतल आती है इसको मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ तो क्या कहते हैं इसमें थोड़ा सा मैं हनी डालूँगी बस थोड़े सा स्वीटनेस के लिए डालती हूँ कभी कभी मैं विदाउट हनी भी ऐसे ही पी लेती हूँ तो ये पी के मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और मेरा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरता है तो इसलिए ये मैं पी लेती हूँ निहार मुँह उसके बाद मैं अपनी सैरी बनाना स्टार्ट करूँगी आज से मेरी टफ़ रूटीन शुरू हो गई है शेरी और रफ्तारी बनाने की वैसे तो डेली मैं खाना बनाती हूँ लेकिन रमज़ानों में डबल रूटीन हो जाती सेरी और है और रफ्तारी बनाना या सबसे पहले मैंने चाय रख दी थी क्योंकि चाय के बग़ैर तो सैरी अधूरी है उसके बाद मैं लस्सी बनाना स्टार्ट कर दी थी, थी। लस्सी में मैं दूध डालती हूँ दही दूध और चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर लस्सी बना लूँगी मैं तो नहीं शौक़ से पीती क्योंकि मुझे तो इसको पीकर इतनी नींद आती है इतनी नींद आती है तो मैं क्या बताऊँ तो उसके बाद ये लस्सी मेरे भाई भाई और क्या कहते हैं सिस्टर पीती हैं तो उसके बाद ये मैंने कबाब फ्राई बनाना स्टार्ट कर दिए थे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने शामी कबाब बनाए थे रोल समोसे के साथ तो फिर ये मैंने यहाँ पे कबाब फ्राई कर लिए थे आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग सेरी में क्या खाते हैं फर्स्ट सेरी और अफतारी की जो बात है ना उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है लोगों को कि वे, शौक से लोग बनाते हैं ये कर ले वो कर ले या मेरी बेहतरीन किस्म के कबाब फ्राई हो गए या मेरा आ, भाई के लिए पराठा बना रही थी मैं सूखी रोटी खाई थी सो अपने लिए या रात को मैंने भिंडी और चिकन का सालन भी बनाया था तो यह हम अपनी सैरी इंजॉय कर रहे हैं उसके बाद मैंने सैरी करने के बाद चाय बना ली थी ये रात को ही हमारे आ, हमारे दिल पसंद से आ, क्या कहते हैं फेनिया और खजला आ गया था इनकी सबसे बेस्ट फैनी और खजला होता है क्योंकि देसी घी में होता है लेकिन बेस्ट क्वालिटी इनका खजला और फेनी होता है ये रात को ही हमारे घर में आ गया था ए, क्या कहते हैं मेरे लास्ट ईयर यूनाइटेड से लिया था लेकिन मुझे उसका पसंद नहीं आया था क्योंकि वो मुझे लगता था ऐसा कुछ पका नहीं हुआ वो कच्चा कच्चा दूध में लगता था लेकिन बेस्ट है फेनी और खजला दिल पसंद वालों का ये खजला था पैकेट और इनकी कितनी प्यारी पैकेट है कलर इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगती है उसके बाद मैंने अफसारी का तैयारी शुरू कर दी इसके बाद मैंने चिकन ली थोड़ी सी बोनलेस चिकन थी मैं चिकन के नगेट्स टाइप बनाऊँगी फ्राइड चिकन फ्राइड चिकन बनाऊँगी तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी उसके बाद मैं इसमें चिकन पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजी चिकन पकोड़ा कह लें इसको चिकन नगेट कह लें इसमें थोड़ा एक अंडा डालूंगी अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दूंगी इसमें तो उसका अफ्तारी के टाइम इसको मैरिनेट करके रख दूंगी अफतारी के टाइम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर तो उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा दो तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर उसको मैं पकौड़ों की तरह फ्राई कर लूँगी या मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी किस तरह मैंने कॉर्नफ्लोर डालकर उसको फ्राई किया है यहाँ पे साथ साथ मैं रात को आ, स, आ, दूसरे दिन सैरी के लिए मैं आ, चिकन टिंडे चिकन की सालन तैयार करी थी साथ साथ ये बेहतरीन किस्म का मेरे टिंडे चिकन तैयार हो रहा है जो बहुत लजीज़ बना था इसको मैं मसाले के साथ टिंडों को अच्छी तरह मैं इसको भून लेती हूँ और फिर इसमें पानी डाल के इसको मैं पकने रख दूंगी ये बेहतरीन किस्म का सालन भी साथ में साथ तैयार हो गया था अवसारी के बाद तो हम खाना नहीं खाते हैं लेकिन सैरी के लिए बनाना पड़ता है उसके बाद मैंने साथ साथ आलू के पकौड़ों के लिए मैंने ये थिन थिन स्लाइस काट लिए थे उसको मैंने नमक का पानी में भिगो दिया था इससे इस तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ऊपर से जब हम इसको छान कर पकौड़ों के बैटर में फ्राई करेंगे तो वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं यहाँ मेरा बेहतरीन किस्म का सालन भी तैयार हो गया था सैरी के लिए उसके बाद मैंने काले चने की चाट बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने दो तीन चम्मच ऑयल लिया था उसमें मैंने चॉप प्याज डाले प्याज को बस एक दो मिनट पकाऊंगी मैं इसको ना कलर देना है बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो उसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे हल्का सा इसको ट्रांसलूसेंट करेंगे एक दो मिनट तक उसके बाद हम इस, इसमें स्पाइसिस इस ऐड करेंगे ये मेरे ब्लैक चने की चाट का तरीका है बनाने का इसको मैं मसाले में बनाती हूँ बहुत मजे की बहुत टेस्टी बनती है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा कुटी लाल मिर्च डालेंगे इसमें वन टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाल दी मैंने जीरा पाउडर डाल दिया मैंने हाफ टी स्पून में हाफ़ टी स्पून ही मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी इसमें वैसे कुटा हुआ धनिया जाता है भुना हुआ कुटा या भुना हुआ कुटा था लेकिन मैंने इसको पाउडर कर दिया क्योंकि हमें मुंह में आना पसंद नहीं है इसलिए मैं पाउडर डालती हूँ धनिया पाउडर या मैंने चाट मसाला डाल दिया था एक चम्मच साथ में मैं सॉल्ट डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इमली का पल्प डाल दूँगी और अच्छी तरह मसाले को भून लूँगी ये देखें गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प था दो टू थ्री स्पून इसको मैं अच्छी तरह थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मसाला सा बना लूँगी और फिर इसमें बॉयल चने ऐड कर दूंगी बहुत मज़े की लजीज़ बन के तैयार होती है हाँ देखिए बेहतरीन किस्म का मसाला आगे मेरा तैयार हो जाएगा ये देखें अब इसमें मैं बुआल चने को ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी एक दो मिनट इसको पकाने के बाद इसमें मैं हरा धनिया डालकर फिर आगे बताती हूँ क्या करेंगे देखिए अच्छी तरह मसाले में बुआल चने फ्राई हो गए उसके बाद हरा धनिया डालकर इसको मैं स्टोव इस को बंद कर दूँगी फिर मैं इसको बॉल में निकाल कर सर्विंग बॉल में निकालूंगी गरम गरम ही निकाल लेंगे इसके ऊपर आलू डालेंगे बॉयल आलू कर मैंने दो आलू ले लिया उसको बॉयल कर लिया था फिर इसको मैंने यूँ उस तरह क्योंस में काट लिया था उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे चॉप प्याज डालेंगे अच्छा जो मैंने ऑयल में प्याज डाले थे वो डायरेक्ट डाले थे ये जो मैं प्याज डाल रही उसको मैंने सॉल्ट के साथ वॉश कर लिया था ताकि इसका तेज़ी पन निकल जाए और वो स्मेल ना आए प्याज की उसको मैंने सॉल्ट के साथ वॉश कर लिया था अच्छी तरह या मैं टमाटर डालेंगे हरी मिर्ची डालेंगे चॉप हरी मिर्चें डाल दिए थे दो तीन और ये मैंने हमारी मज़ेदार किस्म की ब्लैक चने की चाट तैयार हो गई एंड में हम जब रफ्तारी के टाइम इसको मिक्स कर लेके खाएंगे हरिया धनिया से डेकोरेट कर देंगे इसको उसके साथ साथ मैंने साथ में ही फ्रेंच फ्राइज भी काट लिए थे फ्रेंच फ्राइज को भी मैंने सादे पानी में भिगो कर रख लिया था इससे इसका स्टार्च निकल जाता है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं यहाँ पे मैंने लींबू पानी बना लिया था घर में आप सब कह रहे थे कि नींबू पानी बनाना है तो फिर मैंने वाला चले नींबू पानी बना लेते इसको मैंने आइस डालकर जो बहुत रिफ्रेशिंग लगता है अफ्तारी के टाइम फिर उसके बाद मैंने आलू के पकोड़े जो थे इसको मैंने तैयार करना शुरू किया इसके लिए मैंने बेसन ले लिया थोड़ा सा उसमें ज़ीरा साबुत ज़ीरा लाल मिर्च कोटी लाल मिर्च और नमक डालकर इसको मैंने बैटर तैयार कर लिया था सिंपल ये देखिए मैंने आपको बताया था जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसमें मैंने कॉर्नफ्रो डालकर दो टू थ्री स्पून मैंने कॉर्नफ्रो डाला उसको गाढ़ा गड़ा सा बनाया और उसके बाद इसको मैं हल्के शैलो फ्राई कर लूँगी ये देखें ये बहुत लजीज़ बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं इसको मैं ब्राउन कर लूँगी हल्की आँच पे ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह गल जाए और ये एन रफ्तारी के टाइम ही आप फ्राई करिएगा गरम-गरम ही सर्व करिएगा साथ में मेरे फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई हो रहे थे फिर जब फ्राइज मेरे आ, हो गए थे उसके बाद मैंने आलू के पकौड़े बनाना स्टार्ट किए यहाँ आलू के पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे ये तो हमारे घर में सबके फेवरेट हैं जो बहुत मज़ेदार लगते हैं उसके साथ मैं जब किचन से फारी होगी तो मैंने अपनी स्किन केयर तो मस्ट है मेरी क्योंकि मैं अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ तो मैंने जो चोस्टिफाइड अपने मिन, मिनीसो के जबान अटक गई मेरी सॉरी मिनीसो के मैंने वाइप्स निकाले और अपने फेस 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 फे को अच्छे से मैंने साफ़ किया बहुत मज़ा आता है भाई इतना रिलैक्स हो गया मेरा चेहरा मैं, मैं चे, किचन की हीट से मेरा चेहरा गर्म हो रहा था ये लगाने से मेरा एकदम ये देखें इसको भी लिक्विड सा लगा होता है जो इतना रिफ्रेशिंग आपका एकदम फेस ठंडा ठंडा फील होता है स्किन केयर तो मस्ट आपको करनी है ये नहीं है कि आप किचन में काम कर रहे हैं तो अपनी स्किन डैमेज कर लें क्योंकि हीट इतनी आजकल का आपको पता है ये कि कितनी सख्त गर्मी हो रही कराची चाहिए उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो गया था फिर मैंने दसरा खाना लगाया सिस्टर के साथ मिलकर तो यहाँ फिर हमारे इफ्तार करेंगे इन आप सबके भी रोज़े बहुत अच्छे गुजरे दुआ में सब लोग ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे बरकतें बनाए रखें कहते हैं कि रमज़ान में एक नेकी की सत्तर नेकियां का अजर का सवाब मिलता है यानी कि आप एक निकी करेंगे तो उसको सत्तर निकियों को सवाब मिलता है और मदद करते रहें सब शक बरकत वाला महीना है जितनी हो सकता है लोगों की मदद करें इसके बाद रफ्तारी करने के बाद चाहे तो मस्ट है भाई उसके बाद हमारी आज का व्लॉग मेरा आपको लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इन श्ला आगे भी हमें आपसे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ व्लॉग शेयर करती रहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़